नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्च 2023 के कर्नोलॉजी की। इस माह की कर्नोलॉजी में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते उन सभी क्वेश्चनों को हम फैक्ट सहित विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग के नए सीईओ सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए सुमन बेरी, बी अरविंद पनगड़िया, सी बीवीआर सुब्रमण्यम, डी सिंधुश्री खुलर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा सी बीवीआर सुब्रमण्यम। अब सुमन बेरी, ये सुमन बेरी कौन है? ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। कौन है वर्तमान में? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और अरविंद पनगड़िया कौन है? अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। और सिंधु श्री खुलर ये कौन है? ये नीति आयोग के प्रथम सीईओ, नीति आयोग के प्रथम सीईओ। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना कब की गई है? 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन दे रखे हैं, ए भारत, बी डेनमार्क, सी भूटान और डी चीन। तो इसका सही आंसर रहेगा बी भूटान। भूटान में सबसे कम भ्रष्टाचार है। भूटान में सबसे कम भ्रष्टाचार है, सबसे कम भ्रष्ट है। और सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा भ्रष्ट है सोमालिया। कौन सा? सोमालिया। सोमालिया जो कि क्या है? अफ्रीकी देश है। ये सबसे भ्रष्ट है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। और भारत का कौन सा स्थान है इसमें? वर्ष 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 85वां स्थान है भारत का। और चीन का कौन सा स्थान है? चीन का स्थान है 65वां। और भूटान का 25वां स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 31 मई 2024, बी 30 मई 2024, सी 31 अगस्त 2024 और डी 30 अगस्त 2024। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी 31 अगस्त 2024। अब वर्तमान 22वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया है? इसका गठन कब किया गया रहा है? इसका गठन किया गया 21 फरवरी 2020 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। अगला क्वेश्चन है,
स्वतः किशन है 16 से 19 फरवरी 2023 को खेला गया रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में कौन सी टीम चैंपियन रही है? ऑप्शन दे रखे हैं ए बंगाल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी सौराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने ये दूसरी बार जीता है। कौन सी बार? दूसरी बार जीता। और फाइनल मुकाबला किसके बीच में हुआ? फाइनल मुकाबला सौराष्ट्र और बंगाल के बीच में। और इसमें सौराष्ट्र का कप्तान कौन था? सौराष्ट्र का कप्तान जयदेव उनादकट। इसे क्या दे रहे हैं? इसे प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच इसे मिला है, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच। और अर्पित वसावड़ा ये भी सौराष्ट्र टीम का है। और इसे क्या दे रखा है? इसे प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है, प्लेयर ऑफ द सीरीज। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, महिलाओं का T20 आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में कौन सी टीम विजेता रही है? ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी भारत। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये कौन सी बार जीता है? छठी बार जीता है। कौन सी? इसने छठी बार जीता है। ठीक है। और ये मेजबान देश कौन था? इसका मेजबानी किसने की? मेजबान देश है दक्षिण अफ्रीका। और फाइनल किसके बीच में होगा? फाइनल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। प्ले ऑफ द मैच किसे दिया गया? किसे दे रखा है? बेहत मुन्नी को। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और इसमें प्ले ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? प्ले ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? एशले गार्डनर को। ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2023 को 13वें संसद रत्न अवार्ड 2023 की घोषणा की गई है। निम्न में से किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं ए वीरप्पा मोइली, बी एसवी हांडे, सी टीके रंगराजन, डी एके सिंह। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सी टीके रंगराजन। इसमें सम्मानित
कितने जनों को किया है सम्मानित, संसद के सदस्य कितने हैं 13 हैं, संसद सदस्य 13 हैं, इसमें 8 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, और इसमें 2 संसदीय समितियां के, 2 संसदीय समितियों को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में ओवरऑल कौन सा राज्य चैंपियन रहा? ऑप्शन दे रखे हैं, ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सी महाराष्ट्र। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये कौन सा संस्करण था? ये संस्करण संस्करण था कौन सा? 5वां संस्करण था। मेजबान राज्य कौन सा था? मेजबान राज्य कौन सा था? एमपी और था दिल्ली। दिल्ली में सिर्फ एक गेम हुआ था, कौन सा? साइक्लिंग। और इसका शुभंकर कौन सा था? इसका शुभंकर आशा था, जिसे सीता भी कहते हैं। और इसकी थीम सॉन्ग कौन सी थी? हिंदुस्तान का दिल धड़क धड़का दो, क्या था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इसमें शीर्ष कौन कौन सा रहा? शीर्ष पर रहा है, पहले नंबर रहा है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर रहा हरियाणा और तीसरे नंबर रहा राजस्थान। अपना राजस्थान को कुल कितने पदक मिले? राजस्थान को कुल पदक कितने मिले? 48। स्वर्ण कितने थे इसमें? 19। रजत 10 और कांस्य कितने हैं? कांस्य 19। प्रथम बार कहां पर हुआ था? प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब हुआ था? 2018 में, और कहां हुआ था? दिल्ली में। और अभी इससे पहले स्वतः कब हुआ था? स्वतः हुआ था 2022 में, और ये कहां हुआ था? पंचकुला हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, चीन ने किस संसार उपग्रह को सिचुआन प्रांत स्थित जियांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 23 फरवरी 2023 को लॉन्च किया? ऑप्शन दे रखे हैं, ए गाफेन 03, बी गुआ गमू, सी डीएफएच 4 और डी जोंग सिंग 26। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी जोंग सिंग 26। और इसे साइना सेट 26 भी कहते हैं, क्या कहते हैं? साइना सेट
छब्बीस भी कहते हैं। इसमें रॉकेट कौन सा था? रॉकेट था मार्स 3B। और मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, नमक क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 18 फरवरी 2023 को किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं ए नोडोंग, बी मुसुडान, सी अवानसोंग 15, डी अवानसोंग 12। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी अवानसोंग 15। इस मिसाइल का उपनाम क्या है? इस मिसाइल का उपनाम उपनाम क्या है? काला नाग, काला नाग और राक्षसी मिसाइल। ये दुनिया की सबसे लंबी मिसाइल है। ये दुनिया की सबसे लंबी मिसाइल है। कितनी है? 16 मीटर। और इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर। लेकिन पहले ही उत्तर कोरिया पर बैन लगा रखा है। किसने लगाया था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध लगा रखा है। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में 13 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नए राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, निम्न में से कौन सा सम्मिलित हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ए आंध्र प्रदेश, एस अब्दुल नजीर, बी छत्तीसगढ़, बिश्वभूषण भूषण हरिचंदन, सी मणिपुर, अनुसुईया उइके और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही क्या आंसर रहेगा? डी उपरोक्त सभी। अभी 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं, तीन तो ये हुए और चौथा है बिहार। बिहार के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। अगला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कौन है? केवले त्रिविक्रम परनाइक है, ठीक है। और अगला है सिक्किम, सिक्किम के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। अगला है झारखंड, झारखंड के हैं सीपी राधा कृष्णन। और अगला है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के हैं शिव प्रताप शुक्ला। अगला है नागालैंड, नागालैंड के ला गणेशन। और अगला है मेघालय, मेघालय के हैं फागु स्वान। और नेक्स्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के रमेश बैस। महाराष्ट्र के कौन है? महाराष्ट्र के हैं
रमेश बैंस। और अगला है लद्दाख, लद्दाख में उपराज्यपाल है। कौन है? डॉक्टर बीडी मिश्रा। 20 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कितने आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा लॉन्च किए हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 2 से 7 वर्ष, बी 5 से 10 वर्ष, सी 3 से 8 वर्ष, डी 6 से 8 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है 3 से 8 वर्ष। इसमें क्या होता है, जादू पिटारे में क्या होता है, बच्चे खेलते मजे करते हुए सीखेंगे, बच्चे खेलते मजे करते हुए सीखेंगे। इसमें कक्षा फर्स्ट और सेकंड पर भी लागू है। इसकी उम्र क्या है? 6 से 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्तमान कृषि वर्ष 2022-23 में कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 3,233.34 लाख टन, बी 3,235.54 लाख टन, सी 3,533.54 लाख टन, डी 3,535.34 लाख टन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा बी 3,235.54 लाख टन। इसमें वर्ष 2021-22 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? 79.38 लाख टन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को क्या अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है? अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर HAL हेलीकॉप्टर संयंत्र 6 फरवरी 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शन दे रखे हैं, ए बेलारी कर्नाटक, बी बिदर कर्नाटक, सी तुमकुरु कर्नाटक, डी मैचूर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर रहेगा सी तुमकुरु कर्नाटक में। इसकी आधारशिला कब रखी गई? इसकी आधारशिला 1 एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। ये एशिया की सबसे हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, क्षेत्र बाफ्टा पुरस्कार 2023 में किस जर्मन फिल्म को सर्वाधिक 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ए आर आर आर, बी टार,
सी एल्विस, डी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा डी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इस फिल्म के निर्देशक हैं एडवर्ड बर्जर। इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। इसको सर्व श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के 65वें ग्रैमी पुरस्कारों में किस भारतीय संगीतकार को अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए आर रहमान, बी जुबिन मेहता, सी रिकी केज, डी नीला वासवानी। तो इसका सही आंसर रहेगा सी रिकी केज। ये ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है संगीत क्षेत्र में। और अमेरिका के बियॉन्से इसको सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीता है। इसने सबसे ज्यादा कितने 32 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्षेत्र में दिया जाने वाला 2023 का मार्कोनी पुरस्कार है किसे दिया गया? ऑप्शन दे रखे हैं, ए यशपाल, बी मार्टिन कूपर, सी हरि बालाकृष्ण, डी अरुण नेत्रावली। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है सी हरि बालाकृष्णन। ये एक वैज्ञानिक है, ये कंप्यूटर कंप्यूटर वैज्ञानिक है। और मार्कोनी पुरस्कार इसको कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए द कश्मीर फाइल्स, बी आर आर आर, सी गंगूबाई काठियावाड़ी, डी ब्रह्मास्त्र पार्ट वन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है बी। क्या है बी? अब इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया है? द कश्मीर फाइल को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया है? रणबीर कपूर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दे रखा है। किसको? आलिया अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, 17 से 24 फरवरी 2023 को आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन दे रखे हैं, ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत, डी रूस। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? सी भारत।
भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल पदक जीते हैं 7, इसमें से स्वर्ण पदक सियार्जुन ने जीता है और कांस्य पदक, कांस्य पदक किसने जीते हैं? 3 ने। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल को 10 मीटर एयर राइफल में क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है, ओडिशा में स्वदेशी भाषाओं के प्रसार के लिए किस भारतीय शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, बी मोहम्मद रफीक, सी मथुरा विकास त्रिपुरा, डी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है ए डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ये इस पुरस्कार इसे कहां पर मिला है? ये ढाका मिला है, ढाका बांग्लादेश में। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना द्वारा। इसकी स्थापना, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 2021 को यूनेस्को द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ए नील मोहन, बी सुजेता नडेला, सी सुंदर पिचई, डी स्टीवन चैन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ए नील मोहन। और देखते हैं, गूगल गूगल और गूगल और अल्फाबेट इंक, इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है सुंदर पिचई है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया? ऑप्शन दे रखे हैं, ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा सी असम। असम के ये 38वें राज्यपाल हैं। कौन से? 38वें राज्यपाल हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? स्थान किसका लिया? स्थान लिया जगदीश मुखी का। किसका? जगदीश मुखी का। गुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा में उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। 15वीं विधानसभा में उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है,
राज्य के 3 जिलों में 11 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जाएंगे, निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं ए जयपुर, बी हनुमानगढ़, सी बीकानेर, डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा जयपुर। जयपुर में ये नहीं है। अब ये किस योजना के तहत शुरू किया गया है? ये पीएम कुसुम योजना के तहत, और इसकी कुल क्षमता कितनी है? सत्ताईस पॉइंट 43 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन दे रखे हैं ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा, डी सट्टा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सी सोता। अब ये संस्करण कौन सा था? ये संस्करण था 500वां संस्करण था, और इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन एमपी में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में। राजस्थान में इसने, राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? राजस्थान ने, तो इसमें राजस्थान ने कुल 48 पदक जीते हैं। कितने? 48। इसमें से स्वर्ण पदक कितने जीते? स्वर्ण पदक 19, रजत पदक 10 और कांस्य पदक कितने जीते? 19। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र। कौन रहा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 10 से 14 फरवरी 2023 को आयोजित खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। तो इसका सही आंसर रहेगा ए 10। 10 में से 6 रजत जीते हैं और 4 जीते कांस्य। अब देखें तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? जम्मू कश्मीर। और इसका आयोजन कहां पर किया गया? गुलमर्ग में। जो कि बारामूला जिला कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, 500वां क्वेश्चन है, प्रदेश के पहले विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं ए जोधपुर, बी चूरू, सी जयपुर और डी कोटा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा डी कोटा।
अब ये तारामंडल विश्व के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्र और तारामंडलों में से एक होगा। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्रों और तारामंडलों में से एक होगा। इसका निर्माण व्यय कितना है? निर्माण व्यय कितना है? 13 करोड़। इसमें से केंद्र कितने देंगे? केंद्र देंगे 5.60 करोड़। और राज्य कितना देंगे? राज्य देगा 7.40 करोड़। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, 23 फरवरी 2023 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राजस्थान के किस वरिष्ठ रंगकर्मी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं, ए श्री प्रणय खुल्लर, बी विलास जानवे, सी श्रीमती अरुणा साईराम, डी श्री शेखर सेन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा बी। अब ये किसमें मूकाभिनय कलाकार हैं? ये मूकाभिनय कलाकार हैं। इनको मूकाभिनय के क्षेत्र में क्षेत्र में 2021 में सीनियर फेलोशिप मिल चुकी है। और ये पुरस्कार प्रदान किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो आपको पता है। और इसमें ताम्रपत्र व 1 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं, ए जालोर, बी पाली, सी सिरोही और डी जैसलमेर। तो इसका सही आंसर रहेगा सी सिरोही। सिरोही में कहां पर किया गया? सिरोही में, सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन में। और इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि होगी आगामी 8 माह। इसमें क्या होगा? इस अभियान में ऐतिहासिक महत्व के
जलाशय, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि जलाशयों व जल स्रोतों का संरक्षण भी होगा और जीर्णोद्धार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में क्रमशः बेस मेटल व पोटाश के भंडार मिले हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ए जालोर जैसलमेर, बी सीकर हनुमानगढ़, सी जोधपुर पाली, डी अलवर भरतपुर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी सीकर हनुमानगढ़। अब बात करते हैं बेस मेटल की, बेस मेटल का कहां पर मिले भंडार, तो बेस मेटल के मिले सीकर में और सीकर के कहां, दरीबा में। और पोटाश की बात करें तो पोटाश के भंडार मिले हनुमानगढ़ में और हनुमानगढ़ में दो जगह पर मिले हैं, एक तो जोखिया साउथ ब्लॉक में और दूसरा खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीगंगानगर जिले में किस ग्राम पंचायत को पहली श्रीजीवी ग्राम पंचायत घोषित की गई है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए अनूपगढ़, बी गढ़साना, सी करणपुर, डी भादवा वाला। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा डी भादवा वाला। अब इसमें भादवा वाला में सभी परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ गए, मतलब एक की एक भी घर पीछे नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है, दसवां क्वेश्चन है, 20 से 22 मार्च 2023 को कहां पर राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं, ए भीलवाड़ा, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी अजमेर। तो इसका सही आंसर रहेगा बी जोधपुर। ये संस्करण कौन सा था, संस्करण की बात करें तो ये संस्करण कौन सा है, प्रथम पहला संस्करण है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहित करना। हाल ही में लोकानुरंजन मेले का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं, ए जयपुर,
बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी भरतपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी जोधपुर। ये जोधपुर में कहां पर होगा? ये जोधपुर में होगा अशोक उद्यान में। कहां पर होगा? अशोक उद्यान में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा। इसका उद्घाटन किसने किया? सीएम ने किया, अशोक गहलोत ने। कब किया? 18 फरवरी 2023 को। साथ में अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका रंगयोग के 29वें अंक का विमोचन किया? अकादमी के त्रैमासिक पत्रिका रंगयोग के 29वें अंक का भी विमोचन किया? अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2023 को कहां पर 7 दिवसीय इंडिया आर्ट फेयर 2023 का समापन किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये कहां पर हुआ? नई दिल्ली में बीकानेर हाउस में। इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्य सचिव उषा शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 को कहां पर 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए उदयपुर, बी बूंदी, सी बीकानेर, डी कोटा। तो इसका सही आंसर रहेगा सी बीकानेर में। बीकानेर में कहां पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में। उद्घाटन किसने किया? राज्यपाल कलराज मिश्र ने। कब? 25 फरवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड 2022 समारोह में किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी कश्मीर, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर रहेगा डी राजस्थान। अब इसका आयोजन कहां पर किया गया? आयोजन दिल्ली में किया गया। कैसे?
किसने किया? इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य में भूजल का कितना प्रतिशत दोहन किया जा रहा है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 151%, बी 141%, सी 50%, डी 100%। तो इसका सही आंसर रहेगा ए 151%। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने जल्दी किसका गठन किया जाएगा? गठन करेंगे राज्य भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का। किसका? राज्य भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण। अब राज्य में कुल कितने ब्लॉक है? राज्य के कुल कितने हैं? 255 ब्लॉक एवं सात शहरी क्षेत्रों में, सात में से। अब इनमें से 219 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी में आते हैं। कितने? 219 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी में आते हैं और इनमें से 22 ब्लॉक संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। 22 ब्लॉक संवेदनशील किस श्रेणी में आते हैं और 20 ब्लॉक अर्ध संवेदनशील किस श्रेणी में आते हैं? और कुल 38 ब्लॉक सुरक्षित हैं। कितने ब्लॉक सुरक्षित हैं? 38। और शेष रहे 3 ब्लॉक, शेष 3 ब्लॉक, इसमें भूजल लवणीय है। भूजल कैसा है? लवणीय है, इसलिए इसका आकलन नहीं किया जाता है, आकलन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, नागरिकों में न्यूक्लियर विद्युत के प्रति बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने तथा विज्ञान के प्रसार प्रसार के लिए काम पर वातानुकूलित हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कोटा, बी प्रतापगढ़, सी बांसवाड़ा, डी जयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा डी जयपुर। जयपुर में कहाँ पर रहेगा? जयपुर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान उद्यान में। ये कितने रहेगा? 600 वर्ग मीटर का होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? 600 वर्ग मीटर। और इसका व्यय कितना आएगा? 7 करोड़। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1286 किलोमीटर,
बी 1386 किलोमीटर, सी 1526 किलोमीटर, डी 1380 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी 1386 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में कितना होगा? राजस्थान में होगा 246 किलोमीटर। किस नाम से? ये होगा दिल्ली दोसा लाल सोट खंड के नाम से है। और इसका अभी हाल ही में लोकार्पण किया है किसने? पीएम मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। कब किया है? 12 फरवरी 2023 को। और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरेगा? स राज्यों से कौन कौन से? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, आजीविका सुरक्षा के लिए बाजरा और बीज मसालों के विकास और संवर्धन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए बाड़मेर, बी धौलपुर, सी जयपुर, डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा डी जोधपुर। जोधपुर में कहां पर होगा? जोधपुर में होगा कृषि विश्वविद्यालय। जोधपुर कब? 24 से 26 फरवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहां से राज्य स्तरीय कार्यक्रम मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया? ऑप्शन दे रखे हैं, ए पाली, बी अजमेर, सी जयपुर, डी अलवर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी जयपुर। जयपुर में कहां पर होगा? जयपुर में ग्राम पंचायत कालक, जोबनेर, जयपुर। शुभारंभ कब किया गया? 18 फरवरी 2023 को। और इसका उद्देश्य क्या है? मेरी पॉलिसी मेरे आयात का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है किसानों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा पॉलिसी का वितरण किया जाएगा। इसमें प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में ये बीमा पॉलिसी वितरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दसवां क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2023 को राज्य सरकार के
पर्यटन विभाग द्वारा 4 दिवसीय मरु महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा जैसलमेर। जैसलमेर में कहां पर? जैसलमेर में पोखरण में, पोखरण जैसलमेर में। इसमें मिस्टर डेजर्ट 2023 एवं मिस मुमल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें मिस्टर डेजर्ट 2023 एवं मिस मुमल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें मिस्टर डेजर्ट 2023 किसे दिया गया? मिस्टर डेजर्ट 2023 किसे दिया? गणपत सिंह, जो कि कहां के? पाली के। और मिस मुमल 2023 गरिमा विजय को, और ये है बीकानेर की। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल एनएचएच ट्रस्ट की सीईओ नियुक्त की गई है? ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रोफेसर मेघना पंडित, बी प्रोफेसर लीना नायर, सी रोशनी नादर, डी संदा कोचर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ए प्रोफेसर मेघना पंडित। ये मूल भारतीय है, ये भारतीय मूल है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल एनएचएस ट्रस्ट ये ब्रिटेन के सबसे बड़े शिक्षण अस्पतालों में से एक है। ये ब्रिटेन के सबसे बड़े शिक्षण अस्पतालों में से एक है। और प्रोफेसर मेघना पंडित ये पद पाने वाली पहली महिलाएं हैं, ये पद पाने वाली पहली महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष किसे चुने गए? ऑप्शन दे रखे हैं ए डॉक्टर मनोज सोनी, बी श्रीमती स्मिता नागराज, सी रुसिरा कंबोज, डी श्री पीसी शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी रुसिरा कंबोज। रुसिरा कंबोज ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। और सामाजिक विकास आयोग का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में।
सामाजिक विकास आयोग, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले के सलाल हेमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक के लिथियम के अनुमानित भंडार की खोज की है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए पांडुचेरी, बी जम्मू कश्मीर, सी झारखंड, डी केरल। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। अब इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, लिथियम का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सहित चार्जेबल जितने भी बैटरी हैं उसको बनाने में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित चार्जेबल बैटरी को बनाने। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा खालिस्तान टाइगर फोर्स के अलावा अन्य किस संगठन को 17 फरवरी 2023 को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए बब्बर खालसा इंटरनेशनल, बी मणिपुर पीपल लिबरेशन फ्रंट, सी जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, डी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। अब इनको किस कानून के तहत आतंकवाद संगठन घोषित किया है? तो ये कानून है UAPA, यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत। घोषित कब किया गया? तो इसको घोषित किया गया 17 फरवरी 2023 को। इसके साथ में अरविंद सिंह संधु उप रिंदा को भी आतंकवादी घोषित किया है। किसको? अरविंदर संधु उर्फ रिंदा को भी आतंकवादी घोषित किया है। अब UAPA की 134 अनुसूची है। कौन सी 34 अनुसूची? इसमें उल्लेख है किनका? आतंकवादियों का। तो इसमें कुल अब तक कितने हैं? 54 आतंकवादी हैं।
और इसकी पहली अनुसूची है इसमें किसका उल्लेख है, इसमें उल्लेख है आतंकवादी संगठनों का, जो कि टोटल कितने हैं इस सूची में 44 44 आतंकवादी संगठन। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, किन दो देशों की सेनाओं के मध्य उत्तराखंड के पिथौरा रायगढ़ में सैन्य अभ्यास दस्तलिंग 2023 का आयोजन किया गया। ऑप्शन दे रखे हैं ए भारत नेपाल, बी भारत जापान, सी भारत रूस, डी भारत उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर रहेगा डी भारत उज्बेकिस्तान में। और इसमें ये संस्करण कौन सा है, संस्करण कौन सा है, तो संस्करण है सौता, कौन सा है सौता। और इसका आयोजन कब किया गया, इनका आयोजन किया गया 20 फरवरी को। और इसका पिछला संस्करण, इसका पिछला संस्करण यानी तीसरा संस्करण, कहां पर आयोजित किया गया, यांग्यारिक उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान कब किया गया, मार्च 2022 को। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनी एयरो इंडिया 2023 के 14वें द्विवार्षिक संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया। ऑप्शन दे रखे हैं ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी कर्नाटक और डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा सी कर्नाटक। अब कर्नाटक में कहां पर, तो कर्नाटक में एला अंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक इसका आयोजन कब किया गया, इसका आयोजन कब किया गया 13 से 17 फरवरी को 2023। और एयरो इंडिया 2023 का विषय कह रहे हैं, इसका विषय कह रहा है 1 अरब अवसरों के लिए रनवे, 1 अरब अवसरों के लिए रनवे। और ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, 14वीं सदी की महाकाव्य कहानी पर आधारित पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं ए सलमान रश्दी, बी विश्वनाथ तिवारी, सी विजय मोहन सिंह, डी विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर है ए सलमान रश्दी।
सलमान रश्दी ये ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं। कौन है? ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, शहरों में आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने और उनकी जैव विविधता में सुधार हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए अमृत सरोवर योजना, बी आर्द्र भूमि कल्याण योजना, सी प्रधानमंत्री वे वंदना योजना, डी निर्विक योजना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ए अमृत सरोवर योजना। अब इसकी बात करें तो आर्द्र भूमि बसाओ अभियान ये कब स्टार्ट किया गया? इसमें आर्द्र भूमि बसाओ अभियान कब शुरू किया गया? 4 फरवरी 2023 को। और भारत में अब तक कितने रामसर साइट हैं? 75 भारत में। अब तक 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत की यूपीआई और किस देश के पेनाऊ को जोड़कर दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी का शुभारंभ 21 फरवरी 2023 को किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं, ए नेपाल, बी सिंगापुर, सी बांग्लादेश, डी जापान। तो इसका सही आंसर रहेगा सिंगापुर। इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दसवां क्वेश्चन है, देश का सबसे अत्याधुनिक मानव रहित अनमैन्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फरवरी 2023 को किस नाम से लॉन्च किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्काई ITMS, बी स्काई TFL, सी स्काई UTM, डी स्काई क्लाउड। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सी। इसका लॉन्च किसने किया? तो इसका लॉन्च किया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की किस सैन्य भर्ती योजना के विरुद्ध याचिकाओं को खारिज करते हुए
इसकी वैधता को बरकरार रखा। तो ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रधानमंत्री वे वंदना योजना, बी अग्निपथ योजना, सी प्रधानमंत्री सैन्य सम्मान योजना, डी वन नेशन वन पेंशन योजना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर है बी अग्निपथ योजना। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, रूस ने परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने वाली किस संधि को निलंबित करने की घोषणा फरवरी 2023 में की? ऑप्शन दे रखे हैं ए न्यू स्टार्ट संधि, बी सुगुल संधि, सी यूक्रेन रूस सैन्य संधि, डी वर्साय संधि। तो इसका सही आंसर रहेगा ए न्यू स्टार्ट संधि। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, किस बहुपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अल थपरा एयरबेस पर 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 को किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं ए एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, बी एक्सरसाइज तर्कस, सी एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार, डी एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। तो इसका सही आंसर रहेगा डी एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, किसे गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक पद का पदभार 24 फरवरी 2023 को ग्रहण किया? ऑप्शन दे रखे हैं ए लेफ्टिनेंट जनरल आर एस रीन, बी लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह मैल, सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, डी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ए लेफ्टिनेंट जनरल आर एस रीन। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अवधि के लिए जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विदेशी लेखा परीक्षक चुना गया? ऑप्शन दे रहे हैं ए वर्ष 2024 से 2027 के लिए, बी वर्ष 2024 से 2029 के लिए, सी वर्ष 2023 से 2027 के लिए, डी वर्ष 2023 से 2029 के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ए वर्ष 2024 से 2027 के लिए। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किसी विश्व बैंक का अध्यक्ष 23 फरवरी 2023 को नामित किया गया? ऑप्शन दे रहे हैं ए डेविड मालपास, बी अजय बंगा, सी बारबर कॉनेबल, डी जॉर्ज वुड्स। तो इसका सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा बी अजय बंगा। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन दे रहे हैं ए पेंगोंग झील, बी कोल्ड डेजर्ट झील, सी याया तच्चो झील, डी तच्चो कार झील। तो इसका सही आंसर रहेगा सी याया तच्चो झील। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, सबरी माता की जयंती के अवसर पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं ए सतना मध्य प्रदेश, बी गुना मध्य प्रदेश, सी ग्वालियर मध्य प्रदेश, डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर रहेगा ए सतना मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्रमशः क्या करने की मंजूरी फरवरी 2023 में दी है? ऑप्शन दे रखे हैं ए पंचाल नगर और चंद्रनगर, बी मिसाइलमैन और काशीपुर, सी हरिगढ़ और छत्रपति संभाजी नगर, डी छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव। तो इसका सही आंसर रहेगा डी छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव।
अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर सनो मैराथन का आयोजन 26 फरवरी 2023 को कहाँ किया गया। ऑप्शन दे रखे हैं, ए बड़गांव कश्मीर, बी भद्रवाह जम्मू, सी कठुआ कश्मीर, डी रफियाबाद जम्मू। तो इसका सही आंसर रहेगा बी भद्रवाह जम्मू। अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, यूनिंग फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर रहेगा सी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाई जाती है की थीम क्या थी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए वेटलैंड फॉरएवर, बी वेटलैंड रेस्टोरेशन, सी वेटलैंड नाउ फॉर नेवर, डी वेटलैंड फुट स्टेप ऑफ लाइफ। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा बी वेटलैंड रेस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 महाराष्ट्र को हराकर किसने जीती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर है सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक 22 से 25 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन दे रखे हैं, ए खजुराहो मध्य प्रदेश, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी बेंगलुरु कर्नाटक, डी जोधपुर राजस्थान। तो इसका सही आंसर रहेगा ए खजुराहो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो कि 10 से 14 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया मैं जम्मू कश्मीर कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 76 पदक, बी 66 पदक, सी 56 पदक और डी 46 पदक। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर है ए 76 पदक।